समस्या यहाँ भी है, बताओ क्या समस्या है। समस्या से यहाँ सर फोर्स रिसिप्ट बैठता है, हम लोग के जो सुविधा है सर किसान न देवे सब सुविधा है। आपको कोई सुविधा नहीं देना जी, सारी सुविधा हमको आपको देना जी। आपको याद होगा पिछला बार भी जी सर जनवरी महीना में ही जी, इसी महीना में टिकट यहाँ भी खुला था जी, दूसरा डेरा उधर है कौन देखना, वहाँ भी हम लोग बीएमपी देने न दिए थे न। इस बार भी चूँकि पानी जो खत्म हुआ है बाढ़ था ना, तो अब लोग रास्ता बंद भी गया है, सोमवार को जी यहाँ आपकी पूरी पुलिस आ जाएगी। ये आपका ही बना हुआ व्यवस्था है, इसी में रहेगी ना, और आपको कोई सुविधा नहीं, हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मेरा आपसे इतने अनुरोध है, सभी ग्रामीण लोग भी अपना अपना बासा खोलिए, आप भी यहाँ रहिए, आपका खेत है आप खेत में रहिए, और आपकी सुरक्षा के लिए हम पूरा पुलिस आपके साथ। पिछला बार याद होगा ना, एक दाना किसी ने नहीं हंसने गया था जी, ना इस बार भी नहीं जाएगा और आगे भी नहीं जाएगा। सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँ, बोले हाथ बदल हाथ बदल हाँ, 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 सबसे पहले हजूर जो भैंसवार लोग हैं, थोड़ा सा एक बार उनको थानेदार के हिसाब से बुला करके उनको एक बार सूचित किया जाए कि आप जो दियारा में चराते हैं किसके कहने से आपकी जमीन वाला दिया नहीं, जमीन किसी का पैसा किसी का। अभी बताओ वो जो चराता है वो तो जंगल चराता है कि आपका फसल चराता है? नहीं, जंगल जंगल तो सबका है, सब किसान का है, लेकिन वो जंगल किसान का है जी, जंगल बिहार सरकार का नहीं हो जी? नहीं नहीं नहीं, फसल भी खाता है, फसल भी खा गया, परसों समय खराब हुआ करता है, 10-20 मतलब ये जो जो भैंस लेके आया है सब क्रिमिनल के कहने पे, जमीन वाले कहने पे नहीं जी ना। कहाँ के बड़ा बाबू? नदी हो सर, नदी भी आपका बड़ा बाबू है ना, सुन लीजिए ये बात गंभीर है जी। सभी जो भी वो जो भैंसवार है उसको बुला समझा कह दीजिए, जंगल जो बिहार सरकार का है उसका अपना खास तरह, जो आम आदमी का जंगल है या जमीन है या वो है ना, वो उस जमीन मालिक से बात करके किसी का फसल तो खिलाए नहीं। फसल खिलावेंगे हम केस करेंगे रंगदारी का, जेल ही भेजेंगे ठीक है। यहाँ पे जो जिसका खेत है वो भी रहेगा, जो भैंसवार है वो भी रहेगा, ये सब अपने दायरे में रहेगा ना, ये उसको आप तंग कीजिए ना आपको तंग करेगा ना, अपना जिंदगी जिए और हम लोग पूरा सुरक्षा करेंगे, आप समझ गए ना जी। ये बात गंभीर है, जमीन मिला है जो विनोद बाबू की तरफ से, हमारा जमीन चला दिया खेसारी को, वो यादव दयानंद यादव कहाँ पर? वही दामोदर हुआ वही जी, उसके उधर जंगल है रखिए है ना, कागज अपने पास रखे ना, इसका फोटो कॉपी लेके घुमा कीजिए ठीक है। ये थाना पड़ता नदी में ना जी, इसको ना देखिए, आपका तो फोर्स है ना चलाएगा, कदवा है नदी है ना, ज्वाइंटली है ना, लोग घूमेंगे समस्या को हल होगा है ना, चिंता मत कीजिए। अच्छा फोर्स आने दीजिए, सब समस्या इसका घूमेगा देखेगा ना, उसको बता दे रहे हैं उसके जो भैंसवार मन को भय है या कुछ भ्रांति भी है उसका भय दूर करेंगे, उसका भ्रांति दूर करेंगे, और नहीं करेगा आपका ना फसल चराएगा और ना आपका घास चराएगा ठीक है, आपका घास आपका ठीक है, अपराधी कोई नहीं रहेगा। लेकिन आप पहले बोल दिए पब्लिक भी आके रहिए या कुछ खेत आप भी रहिए ठीक है, और आपका फसल और आपकी सुरक्षा, डर से पब्लिक नहीं रहा, अब मैं सुनने में क्या कह रहा हूँ, अब तो फोर्स अब मैं दे रहा हूँ, आपकी सुरक्षा मेरी जवाबदेही है, आप उस सबको रहिए, मेरा काम मैं देना चाहता हूँ, खेत क्यों छोड़िएगा, आप खेत छोड़िएगा ना तो दूसरा फिर आएगा, दूसरा अपराधी आता है, खेत छोड़ना ही नहीं है जी। और आपका खेत और आपकी सुरक्षा जवाबदेही आपको रहना है ना जी, आओगे ना जी, सब करो ना, क्या बोले सबको रहो, सबको रहो, अपने तरफ से सबको रहो, हम देख रहे किए इनका, हम देख रहे किसान जो बता रहे हैं सर, देखिए डेरा हम पिछला बार भी आए थे ना, पिछला बार भी आए थे जहाँ खड़े यहाँ भी पुलिस पिकेट थी, बाढ़ तक पुलिस पिकेट आ रही थी, और एक उधर डेरा पड़ता है आपका टेकुना डेरा,
वहाँ भी पुलिस पिकेट थी, बाहर तक थी, बाहर आया तो फिर वापस जाना पड़ा। अब बाढ़ का पानी पूरा नीचे उतर गया, अब हम लोग आ जा सकते हैं। वही रास्ता हम देखने आए थे कि रास्ता आने लायक जनलायक है कि नहीं है, और जो पिकेट कितना डैमेज हुआ है, ताकि उसका मरम्मती करवा करके हम बल को रख सके। तो सोमवार से हम लोग दोनों जगह फोर्स लोग कैंप करा देंगे। समस्या होती क्या, देखिए यहाँ पर जो खेतिहर है, जो किसान है वो गांव में रहते हैं, नहीं आ पाते हैं। उसके नहीं आने से क्या होता है, जो अपराधी तत्व वो हावी हो जाता है, कहीं कहीं क्राइम कर देता है वो। पिछला बार फोर्स भी था, पब्लिक भी अपने खेत पर थे, कहीं कुछ नहीं हुआ था। फिर फोर्स आ जाएगी, पब्लिक अपने खेत पर आ जाएंगे, कहीं कोई क्राइम नहीं होगा, एक दाना रंगदारी किसी को नहीं मिलेगा। जो भी एक काम में मतलब करेंगे, कोई अपराधी हो वो बचेगा भी नहीं। गिरफ्तार करेंगे, उसको जेल भी भेजेंगे, और ऐसे कानून जब पकड़ाएंगे एसपीडी तक सजा दिलावेंगे, ताकि वो कई साल तक काम में गलत काम ना कर सके। मैं तो अपने कहा कि आप अपने खेत पर आइए, डर को हमको सौंप दीजिए, आपकी सुरक्षा मेरी जवाबदेही। डरने को कोई बात नहीं है, यहाँ बीएमपी के जवान हमारे रहेंगे, कहीं डरने कोई बात नहीं है। और वो पार्टी गश्ती भी करेगी, ठहरेगी नहीं, वो गश्ती भी करेगी, इलाके में गश्ती करेगी, थाना स्तर से भी आएगा। आपने देखा होगा ना पिछला साल में आपकी सेवा में कमी नहीं रखा था ना, हम लोग फिर आपकी सेवा में रहेंगे, बिल्कुल सेवा में रहेंगे। आप मन से भय को निकाल के हमें जेब में दे दीजिए। किसान लीजिए बात कुछ क्या ब्रेक ब्रेक पूरा बताओ ना, ब्रेक पैर में है सर, पैर में उधर वाला ब्रेक है, कहाँ ड्राइवर था, कहाँ गया? नहीं नहीं सर, ट्रायल मारता हूँ। मनोज नहीं है, मनोज रुको, रुक जाइए, अभी 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 ट्रायल मार रहे हैं। मनोज सर को बता दो, बैटरी कौन है, ब्रेक कौन है, खाली चलेंगे दो कदम आगे मत रहना भाई, चलो बता ब्रेक कौन है, ब्रेक कौन है, ये क्या ब्रेक है, आइए चला है, चलो हो गया, बैठो।